हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बैकरम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं 2022 की लेटेस्ट होंडा लीवो 110 BS6। तो ये है दोस्तों होंडा लीवो न्यू 2022 मॉडल, एकदम लेटेस्ट मॉडल, तो फुल रेव्यू होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है होंडा लीवो न्यू मॉडल जैसे कि आपने देखा। और ये ज़बरदस्त कलर में साइड से पहले आपको वॉक अराउंड कराता हूँ, फिर एक एक डिटेल्स आपको देता हूँ कि इसमें क्या नया फीचर आया हुआ है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे होंडा लीवो BS6 2022 की लेटेस्ट मॉडल की सारे फीचर्स की, ऑन रोड प्राइस, माइलेज, सारी डिटेल्स आपको हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। तो एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका हैंडल बार आपको कुछ इस तरह से फीचर मिलेगा, और रियर भी आपको दिखा देता हूँ प्रोफाइल, तो इस तरह से बाइक दिखेगी। तो अब आपको एक नई टेल लाइट मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल ग्लास एकदम चेंजेस मिलेंगे। और क्या क्या चेंजेस है दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर एक न्यू स्टिकर यहाँ पर मिल रहा है, और साइड के फ्यूल टैंक पर आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक, बिल्कुल लेटेस्ट ग्राफिक आपको मिलेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल के, यानी कि अलॉय व्हील की, तो यहाँ पर डिस्क और ड्रम दो वेरिएंट में आपको ये बाइक मिलेगी। तो ये ड्रम वेरिएंट है ISI प्रमाणित, आपको एक नई अलॉय व्हील ग्रे कलर में मिलेगी। TVS के ट्यूबलेस टायर 8018 का आपको मिलेगा, देख सकते हो आप। अब यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको नए अंदाज में मिलेंगे, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे लुक में मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है फार ट्यूबलेस, ठीक है, 03Y। और होंडा यहाँ पर देखिए, इसके अलॉय व्हील पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिलेगी, और ISI प्रमाणित मिलेगा। तो ये अलॉय व्हील जो है 18 इंच की अलॉय व्हील है, जिससे आपको बाइक में जैसे कि काफ़ी अच्छा राइडिंग होगा। और टायर जो है वो 8018 के ISI प्रमाणित टायर है, तो टायर बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है। टायर बहुत ही ज़रूरी होता है सेफ्टी, बाइक खरीदने से पहले आप टायर पर ज़रूर ध्यान दिया करें। अब यहाँ पर फ्रंट के मडगार्ड आप देखोगे तो बिल्कुल काफ़ी अच्छे नए शेप में, बहुत ही बेहतरीन ब्लैक कलर में आपको मिलेगा। अब अगर फ्रंट की यहाँ पर विंड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वाइज़र आपको मिलता है, होंडा की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, और एक नया शेप यहाँ पर नए अंदाज में आपको दिखेगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और ये पूरा ऑल ब्लैक मिलेगा, यहाँ पर कोई स्टिकर साइड के प्रोफाइल पर आपको नहीं मिलेगा, साइड के वाइज़र पर कोई स्टिकर। आप फ्रंट का हेडलाइट आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हेडलाइट इसकी जल ही रही है, तो यहाँ पर हेडलाइट जो है आपको 3500 का हेलोजन बल्ब, सिर्फ इग्निशन ऑन करोगे तो आपकी लाइट जलेगी। इस तरह से सिस्टम कर दिया है कंपनी ने, बाइक को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ट्रांसपेरेंट ग्लास पर आपको बल्ब वाले इंडिकेटर्स मिलेंगे, जो कि अगर आप देख सकते हो दिन की मैं बात कर रहा हूँ तो इस तरह से दिखेगी। तो लाइट भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर मिल रही है, और इंडिकेटर की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन मिल रही है दोस्तों। अब इसके मिरर अगर आप देखोगे तो, यानी कि इसका शीशा, तो इस तरह से शीशा आपको मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ब्रांडेड शीशा, देखिए कंपनी की पहचान यहाँ पर आप देख सकते हैं FM यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर टेक्सचर एक डिज़ाइन भी मिल जाते हैं दोस्तों। अब इस बाइक में आपको देखिए पासिंग बटन कुछ इस तरह से मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो इस बाइक में अगर ऐसे कर देंगे तो आपको डबल लाइट जलती रहेगी, यानी कि पास वाली। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, सिर्फ और सिर्फ होंडा में ये फीचर आपको मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ग्रिप कवर पर डिज़ाइन की गई है। अब इस बाइक पर देखोगे तो डुअल यहाँ पर एक्सेलेरेटर वायर मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग का, देखिए मैं आपको एक नया चीज़ दिखाता हूँ इस बाइक में, जैसे आप देख सकते हो इस बाइक में यहाँ से बाइक स्टार्ट होगी। देखिए ESP इनहेंस स्मार्ट पावर सिस्टम है, इंजन बिल्कुल स्मार्टली स्टार्ट हो गया, आपको पता नहीं लगा, इसमें खचपच खचपच जैसा कोई आवाज़ नहीं करेगा। देखिए यहाँ से फिर बाइक आप बंद कर सकते हो, देखिए बंद हो गई। अब देखिए स्टार्ट कितने आराम से होगी, ये देखिए कितने प्यार से स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हो। अभी इस बाइक का सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे साइड स्टैंड लगा, नहीं बंद हुई ना, लेकिन यहाँ पर आपको गियर डालना है, जैसे गियर डाल दिया बाइक चलने लगी, और साइड स्टैंड लगाया तो बाइक बंद हो गई, ठीक है, ये फीचर है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इसके न्यू चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए स्टिकर अगर आप नज़र डालोगे तो होंडा के लीवो के फ्यूल टैंक पर आप देखोगे एक नया स्टिकर और LIVO लीवो का इस तरह से आपको डिज़ाइन मिलेगा। टेक्सचर आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन, और काफ़ी अच्छा रेड और ब्लैक में आपको ग्राफिक मिलते हैं, सिल्वर कलर का, ग्रे कलर का, कई सारे कलर में यहाँ पर आपको ग्राफिक, एक नए ग्राफिक मिल रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ग्राफिक आपको कैसा लगा, और होंडा का यहाँ पर 3D का नया क्रोम फिनिशिंग पर ब्रांडिंग आपको मिलेगा, और फ्यूल टैंक ऑल ब्लैक मिलेगा, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये बाइक दोस्तों अभी तक होंडा की जितनी मॉडल्स कलर्स आए थे उन सबसे दोस्तों इस बाइक का कलर बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं।
होंडा का। यहाँ पर देखिए बाइक शायद लाने ले जाने में कंपनी से जो लद के आती है यानी लोड होके कहीं से ये निकल चुका है, तो वो तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया बढ़िया स्टिकर, इस साइड से भी अगर आप देखोगे तो बाइक कुछ इस तरह से दिखेगी। तो नया स्टिकर आपको मिलता है और इंजन जो है वो 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर ओएससी एफआई इंजन आपको मिलता है। किक और सेल्फ दोनों स्टार्ट मिलेगा, ऑयल फिल्टर भी मिलेगा। माइलेज की बात की तो 60 से 70 का माइलेज बहुत ही आराम से बाइक निकालेगी। और चार गियर की ये बाइक है दोस्तों, उस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस साइड से आप इंजन देख सकते हैं होंडा का, और पिकअप माइलेज परफॉर्मेंस में सबसे बेहतरीन बाइक है। चारों गियर पीछे ही लगते हैं और साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन के फीचर के साथ नया इंजन आपको मिलता है दोस्तों। इस तरह से आप इंजन इसका देख सकते हो। और हारन देखिए, हारन भी काफ़ी बढ़िया है, सिंगल हारन आपको मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका इंजन, इसमें आपको स्टार्टर मोटर इसी के अंदर ही लगा हुआ है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर 10 लीटर पेट्रोल आता है दोस्तों इस बाइक में। फ्यूल टैंक का कैप देख सकते हो आप। यहाँ पर आप देख लिया इसको कि स्टार्टिंग और किल स्विच, यानी कि बाइक यहीं से स्टार्ट होगी यहीं से बंद होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे नया हैंडल बार आपको मिलेगा, ऑल ब्लैक यहाँ पर आपको मिल रहा है हैंडल बार। अब इसके अंदर देखिए डेट एंड टाइम का फीचर मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें टाइमिंग बताएगा, टोटल बताएगा, ट्रिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। एनालॉग 140 की टॉप स्पीड, यानी एनालॉग और डिजिटल मीटर साथ में क्लॉक के साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लॉक के साथ मिल रहा है। तो ये कैसा फीचर लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और सीट आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया प्रीमियम लीदर की सीट मिलेगी। अब इस पर यहाँ पर देखोगे तो एक नई टेक्सचर डिज़ाइन जैसा कि पल्सर में आया है, और उसी तरह से यहाँ पर भी आपको मिलेगा, और लीवो की ब्रांडिंग मिल रही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो साइड के पैनल पर भी आपको इस तरह से आपको स्टिकर एक नया मिलेगा दोस्तों। और उसके बाद अब रियर में आप देखोगे तो यहाँ पर टेल लाइट आपको कुछ इस तरह से जलती हुई दिख जाएगी। अब उसके बाद इस साइड पर भी आपको इस तरह से स्टिकर नए मिल जाएंगे। तो ये न्यू 2022 की होंडा लीवो है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे साइलेंसर का मफलर इस तरह से मिलेगा, ESP टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिलती है। और उसके बाद पीछे का भी टायर 8018 का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, और जिसमें आपको 130 mm का हाईवी ड्रम ब्रेक मिलता है, और 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंसन आपको मिलता है, बहुत ही बेहतरीन सस्पेंसन। और यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर देखिए इसमें नया पैनल आपको दिया है कंपनी ने, ये बहुत ही बढ़िया काम किया है, काफ़ी अच्छा। अब आपको इसमें भी एक अच्छा शेप और नई डिज़ाइन यहाँ पर मिलेगी, इस तरह से देख सकते हैं आप। होंडा लीवो बिल्कुल बदल चुकी है काफ़ी अच्छे फीचर में, और नंबर प्लेट यहाँ पर लगेगा, पीछे का डिज़ाइन देख सकते हो काफ़ी अच्छे। इसके इंडिकेटर बहुत ही चमक रहे हैं आप देख सकते हैं। और सारी गार्ड आपको कुछ इस तरह से मिलेगा आप देख सकते हो, अब सारी गार्ड में काफ़ी अच्छा चेंजेस हुआ है इस तरह से। और यहाँ पर आप फाइबर यहाँ से इसको सिस्टम चेंज कर दिया है, और फाइबर के चेन कवर आपको लॉन्ग चेन ड्राइव मिलती है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। पीछे का भी टायर आपको 818 ऐसा ही प्रमाणित ट्यूबलेस टायर मिलता है। अब इस बाइक की हम चलिए प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक की अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी ऑन रोड जो प्राइस है वो आपके पड़ेगी जाके 87 से 88 हज़ार रुपये, और कहीं कहीं पर आपको 89 हज़ार में भी पड़ेगी। तो ये आपको बाइक कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।